जिला स्तरीय अध्यापक संघ की बैठक राजकीय बाल पाठशाला हमीरपुर में संजीव कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें सभी श्रेणियों के रिक्त पदों को भरने के लिए बैच वाइज भर्ती कमीशन इत्यादि मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में पेंशनर प्रणाली को बहाल करने के मुद्दे को भी उठाया गया। बैठक में अजय शर्मा बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बैठक में जिला महासचिव राजकुमार ठाकुर, वित्त सचिव मनोज शर्मा व अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। इस बैठक में समस्त कार्यकारिणी के लगभग 125 अध्यापकों ने हिस्सा लिया। संजीव ठाकुर ने बताया कि जिला स्तरीय अध्यापक संघ सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सम्मानित करता है और अध्यापकों व बच्चों की समस्याओं को समय समय पर विभाग व सरकार को बताता है और सभी कार्यों को प्रमुखता दी जाती है। संजीव कुमार ने कहा कि भविष्य में भी यह संघ अपना कार्य करता रहेगा। मीटिंग है, इसका मुख्य उद्देश्य हमारे बहुत ही पुराने यूनियन के साथी जिनका राजकीय अध्यापक संघ के निर्माण में और इसके संघर्षों में बड़ा विशेष योगदान रहा, श्री क्रांति जी वो आज इस 31 जुलाई को रिटायर होने जा रहे हैं, तो उनके मान सम्मान के लिए जो है हमने आज का ये आयोजन किया है, विशेष बैठक बुलाई गई है। और ये जो साथी हैं ये माननीय हरीश गुलेरी के टाइम में जब राजकीय अध्यापक संघ संघर्षरत था, जो भी आज की सहूलतें जो सरकार दे रही है या अध्यापकों को मिल रही है ये इस पीढ़ी की देन है, उस पीढ़ी के साथी हैं, तो हम उनको मान सम्मान देने के लिए, इस पीढ़ी को मान सम्मान देने के लिए आज एकत्रित हुए हैं और हम अपनी शुभकामनाएं इनको देते हैं। इनका आगे का जो जीवन है रिटायर होने के बाद, इसी तरह इनके जीवन में जुझारूपन बना रहे और समाज में अपना विशेष योगदान देते रहें। इसके साथ साथ हमारे जो है जो मांगे हैं राजकीय अध्यापक संघ की, उनके ऊपर भी चर्चा हुई है, जिससे मुख्यतः काफ़ी इसमें से पिछली सरकार के इसमें से चलता आ रहा है कि 414 का मसला जो है वो हल नहीं हुआ, और हम चाहेंगे कि वर्तमान सरकार जो कर्मचारी हितैषी है, जो उनके कार्य प्रणाली से लग रहा है, हम चाहेंगे और हमें उम्मीद है कि वो भी आने वाले समय में इस मसले को जो है हल करेगी। इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि ये जो कंट्रैक्ट पीरियड है जो सरकार ने पार्टियों ने प्रॉमिस किया था कि हम इसको 2 साल करने जा रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि वर्तमान सरकार से मांग करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये जो है 2 वर्ष जो है कार्य है जो कंट्रैक्ट पीरियड है कर्मचारियों का किया जाए, क्योंकि आज बच्चों को नौकरी बड़ी एक एडवांस एज में मिल रही है और बहुत कम समय जो है उनको मिल रहा है, तो हम ये चाहेंगे। और इसके साथ साथ मुख्य जो मुद्दा है जो राष्ट्रीय स्तर पर भी चला हुआ है वो है पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने का। आज हम देखते हैं कि आने वाला समय जो है इतना जटिल है कि रिटायरमेंट के बाद आदमी का जो साधन है जीवन यापन करने के जो साधन है वो बड़े सीमित हो रहे हैं, और उसके लिए जो पुरानी पेंशन पद्धति जो है उसको बहाल किया जाए, जिससे जो कर्मचारी 58 या 60 साल तक अपनी सेवाएं सरकार को दे रहा है, समाज को दे रहा है, वो अपना जीवन यापन जो है ठीक से कर सके। इसलिए पुरानी पेंशन बहाली हमारा एक मेन मुद्दा आज की इस मीटिंग का है। और ये जो मीटिंग है ये जो है इसमें पुरजोर ये मांग उठाई जाएगी और उठाते रहे हैं कि पुरानी पेंशन स्कीम जो है उसको बहाल किया जाए।